दिवाली के दिन शहर का अग्निशमन विभाग काफी व्यस्त रहा। शाम से शुरू हुई आग की घटनाएं देर रात तक चली। हालांकि घटनाओं में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। दिवाली के दिन 10 जगहों पर आग लगने की सूचनाएं मिली, जिसमें जरीपटका में पटाखा की दुकान में आग लगने की घटना गंभीर रही। मिली जानकारी के अनुसार जरीपटका के बाराखोली क्षेत्र में रात करीब 11:30 बजे पटाखों की दुकान में आग लग गई। आग को फैलने में समय नहीं लगा। इमारत के ग्राउंड फ्लोर के बाद जल्द ही ऊपर की 2 मंजिलों से भी धुआं निकलने लगा। पता चला कि आग ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई थी। हालांकि घटना के समय दुकान बंद थी। आग तेज होते ही किसी ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। इमारत के दूसरे हिस्से में किराने की दुकान थी, जिसमें मुख्य रूप से पैकेट स्नैक्स आइटम जैसे बिस्कुट चिप्स आदि सामान रखा था। ग्राउंड फ्लोर केवल एक ही तरफ से आवाजाही संभव थी, जबकि बाकी तीनों हिस्से बंद थे। ऐसे में दमकल कर्मियों को बगल की दूसरी इमारत की दीवार तोड़कर पहुंचना पड़ा। आग की गंभीरता को देखते हुए 7 दमकल वाहन और 1 बड़ी सीढ़ी मौके पर पहुंचाई गई। 3 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान किसी को भी चोट लगने की जानकारी नहीं थी। पटाखे की दुकान में आग लगने की खबर फैलते ही परिसर में दहशत का माहौल हो गया। आनंद फानन में लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। एक तरफ दमकल कर्मियों को शुरुआत में दुकान में पानी डालने में परेशानी हो रही थी, दूसरी तरफ लोगों के जमावाड़े ने परेशानी को अलग बढ़ा दिया था। हालांकि इसी अनहोनी से पहले ही दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया और लोगों ने भी राहत की सांस ली।